जिला मसूरिया मध्य प्रदेश के भील आदिवासियों के क्षेत्र में स्थित एक छोटा सा गांव, एक ऐसा गांव जहां पिछले साल तक कोई स्कूल नहीं था। सरकारी मदद का इंतजार किए बगैर गांव के एक बुजुर्ग ओमजी भाबर ने जमीन दी। पुरुषों ने श्रमदान किया और देखते देखते स्कूल बन गया। एक ऐसा स्कूल जो पूरी तरह गाँव वालों की मेहनत और पहल से बना उनका अपना स्कूल। ये बच्चे हैं उस भील आदिवासी बहुल गांव के जो मलिया फलिया मसूरिया के नाम से मशहूर है। जी हाँ, मशहूर है, क्योंकि यहाँ के गांव वालों ने एक स्कूल बनाया है, वो भी अपने खुद के प्रयासों से। बताइए, है न वजह प्रसिद्धि की? स्कूल बनाने के लिए गांव वालों ने ना तो किसी सरकारी मदद की आशा की और ना ही प्रतीक्षा। बस उन्होंने तो समझी 100 बातों की एक बात, कि गांव में स्कूल होगा तो उनको और उनके बच्चों को उन्नति का मार्ग मिलेगा। अब शिक्षा तो है ही उन्नति की पहली सीढ़ी, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। लेकिन इस जगह एक और भी खास बात है, यहाँ के स्कूल में पढ़ने तो जाते हैं बच्चे, लेकिन उनकी शिक्षा का लाभ मिलता है गांव के बड़े बूढ़ों को। यूं लगता है जैसे गांव का हर घर स्कूल की कक्षा बन गया है और हर अशिक्षित प्रौढ़ एक छात्र। जो स्कूल यहाँ पे ये मकान मालिक ने दिया हुआ है, मेरा यहाँ के स्कूल बहुत दूर पड़ते है। यहाँ से कम 2-2.5 किलोमीटर दूर स्कूल है। उनके लिए हमने सब फलिया वाले लोग बोला कि अपनी स्कूल इतना दूर पड़ती है, अपना बच्चा लोग उधर नहीं जाना पाते। हमने सब भाई मिलकर अपना बच्चा को परिवार का नाम लिखवा लिखवा करके हमने सबको नोटिस करके भेजा है कि यहाँ पे मेरे को स्कूल चाहिए। अगर झाबुआ जिले में कभी आपका जाना हुआ होगा तो आपने देखा होगा कि यहाँ के गांव मोहल्लों में बटे हैं और मोहल्ले बड़ी दूर दूर बसे हैं। अब सरकार हर गांव में तो स्कूल खोल सकती है, लेकिन क्या हर मोहल्ले में स्कूल खोलना संभव है? नहीं। तो शायद यही वजह है यहाँ के भील आदिवासियों के अशिक्षित होने की। स्कूल है घर से बहुत दूर और वहाँ तक पहुँचने के लिए साधन नहीं है भरपूर। हर ग्रामवासी ने दिया सहयोग, किसी ने धन तो किसी ने श्रम, और खुल गया एक स्कूल। वो बच्चे जो कभी गांव की गलियों में निरर्थक घूमते थे, खेतों और जंगलों में भटकते कैरी और इमली तोड़ते थे, आज इस स्कूल में आ आम का और ई इमली का पढ़ते हैं। ये गुदड़ी के लाल आज गुलशन के फूल बनकर खिल रहे हैं। इनकी खुशबू से समाज और देश महकेगा। इस महक को दूर दूर तक पहुंचाने का जिम्मा लिया है नवाचार योजना ने, ऐसा कहना है झाबुआ जिले के जिलाधीश का। ये हमारे नवाचार योजना है, जिसमें हम ये चाहते हैं कि हमारे जो समुदाय है, एक तो वो समुदाय है जो इमीडिएट नेबरहुड में है, और एक समुदाय ऐसा है जो बाहर है, मगर वो चाहता है कि ऐसे नवाचार योजना में अपना योगदान दे। वंडर स्कूल भी उसी का एक अंश है। अगर कोई ये सोचे कि ऐसे किसी स्कूल के लिए कुछ रुपए भेज दिए जाएं और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं, तो शायद ये बात सही नहीं है, क्योंकि इन स्कूलों को चलाने के लिए सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं चाहिए, बल्कि चाहिए आपका ज्ञान, श्रम और अनुभव। लोक सहयोग से ही तो इन स्कूलों की निधि निर्माण होती है, और फिर उन्हीं दानदाताओं के सहयोग से प्रबंधन आकार लेता है। जैसे मलिया फलिया मसूरिया के इस स्कूल को चलाने में सहयोग दिया है बैंक के एक अधिकारी श्री उपाध्याय ने। आदिवासी जो है वो निरक्षर भी है, और हम बैंक की गतिविधि में देखते हैं कि वो सब जो है अपना इलिटरेसी के कारण हर जगह उठा रहा था, जिससे कि उनको अपने सरकारी योजना जो चलती है उनका भी लाभ नहीं उठा पाता है, वो जो बैंक या गवर्नमेंट द्वारा भी चला जाती है उसका भी फायदा नहीं उठा पाता है उन्हें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये थोड़े साक्षर हो जाए, उससे कि दूसरी स्कीम्स जो योजना चल रही है गवर्नमेंट की, चाहे वो बैंकों के द्वारा चलाई जा रही है, चाहे किसी भी बस से चलाई जा रही है, किसी भी गवर्नमेंट से चलाई जा रही है, किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, उसमें वो फायदा उठा सके। खुशहाली की राह पर आगे बढ़ना कौन नहीं चाहता? आप इन्हें राह तो दिखाइए, फिर देखिएगा इनका उत्साह
इनकी उमंग, आसमान को छू लेना चाहता है इनका मन, इनका निश्चल बचपन। बहुत पूरी मेहनत करता है अपने तरफ से, और मेरी भी कोशिश पूरी है कि मैं उनका भविष्य सुधारूं, और बच्चे भी मेरा साथ देते हैं कि जो भी पढ़ने में परेशानी आती है पूछ लेते हैं, मैं भी उनको बताता हूँ, और टाइम का कोई निश्चित नहीं है, कभी लेट भी हो जाते हैं कभी, ताकि पूरी तरह से बच्चे सीखना चाहते हैं। पढ़ेंगे लिखेंगे आगे बढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे, पूरे घर को पढ़ाएंगे।